तो कुछ क्वालिटी ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट को किस प्रकार से एक बेटर लीडर बनाती हैं, तो आप लोग अभी से इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट कर दो। इन क्वालिटी पर ध्यान देना आप लोगों के लिए बहुत ही नेसेसरी। थर्ड जो क्वालिटी होती है वो होती है डिसिप्लिन। आप लोग इस पर काम करना स्टार्ट करो। सेकेंड, मैं हमेशा से बोलता हूँ कम बोलना स्टार्ट करो, स्पीक लेस, क्योंकि जो लोग कम बोलते हैं लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। थर्ड, क्यूरियस रहो हमेशा नई चीजों को सीखने के लिए। फोर्थ, हमेशा फूलिश रहो। ऐसा नहीं है अपने आप को ज्ञानी दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को इस तरीके से बिहेव करो लाइक आप एक मूर्ख हैं, और लोगों को जो भी लोग बोल रहे हैं उनको सुनो। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनने की आदत डालो। बड़े बड़े जब आप लोग देखोगे तो वो ज्यादा सुनते हैं, कम बोलते हैं, कम रिएक्ट करते हैं। फाइव जो क्वालिटी होती है वो होती है अपने टाइम की पंक्चुअल रही। हमेशा टाइम, जितना टाइम अपने स्टडी के लिए जितना टाइम अपने दिया है उस टाइम को उतने टाइम में कंप्लीट करना। आपने जितना टाइम जहां लगाना उतना ही टाइम लगाए। इन सभी से मिलकर और लास्ट जो हैबिट में आता है वो आता है आपका डेली इंप्रूवमेंट। डेली इंप्रूवमेंट, आपको डेली इंप्रूवमेंट करना। बेशक आप 0.01% इंप्रूवमेंट करें लेकिन आपको डेली इंप्रूवमेंट करना जरूरी। अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं बेसिक, आप एक फॉर्मूला स्टार्ट, एक फॉर्मूला लर्न क्यों ना करें लेकिन फॉर्मूला लर्न करना है। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आज आप लोग सीख लोगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो आप लोगों से भी यही होप की जाती है कोई चीजें हैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सीख लीजिए।